हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभिषेक कुमार फिर से हूँ हाजिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले टॉपिक जो है, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। वो प्रश्न है, आप बताएं कि सबसे पहले ट्रैफिक लाइट को कहाँ पर लगाया गया था? सोचिए। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रैफिक लाइट को रोड पर लगाया गया था। बस, इट्स अ फनी आंसर। ओके, चलिए कोई नहीं, मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है, व्हाई आर ट्रैफिक लाइट्स रेड येलो ग्रीन, यानी कि ट्रैफिक लाइट में रेड येलो ग्रीन हम लोग जो है एज ए सिग्नल क्यों यूज़ करते हैं। तो कभी सोचा है कि ट्रैफिक लाइट जब रोड पे रहती है, हम लोग व्हीकल्स लेके गाड़ी लेके जब जाते हैं तो फिर तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। ट्रैफिक लाइट को हम लोग सिग्नल लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लैंप पोस्ट या स्टॉप लाइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसे एक क्रम में, यानी कि ऊपर से आप देखोगे तो ऊपर में रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, इस सीक्वेंस में इसको रखा जाता है। इस पर मैं बाद में आऊँगा, थोड़ा सा और मैं इसके पे बता देता हूँ कि ट्रैफिक लाइट यूज़ होने के पहले ट्रैफिक पुलिस ही ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे, ठीक है। और सबसे पहले बिना बिजली से चलने वाली यानी गैस लिट ट्रैफिक लाइट को लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बाहर 9 दिसंबर 1868 में लगाया गया था। तो ये तो थी ट्रैफिक लाइट की कुछ जानकारियाँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी भी ट्रैफिक लाइट जैसे रोड पे यूज़ होता है, तो उसी तरह हम लोग देख सकते हैं जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे फ्लैग्स भी यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे एक कलर फ्लैग का यूज़ किया जाता है, जैसे रेड फ्लैग रहता है तो ट्रेन को रोकने के लिए जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, और ग्रीन को फ्लैग मतलब सिग्नल दिया जाता है तो ट्रेन खुल जाती है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कलर्स है रेड येलो ग्रीन, अब हम लोग इस पे आते हैं, तो इसका कारण क्या है, ठीक है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रेड है ऊपर, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, ठीक है। जैसे हम लोग रोड पे जा रहे हैं तो सबसे पहले रेड आया तो हम लोग गाड़ी स्टॉप कर देते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि रेड जो होता है वो एक डेंजर का साइन होता है, और इसकी वेवलेंथ भी जो होती है वो सबसे अधिक होती है, जो काफ़ी तेज़ी से मतलब मूव करती है। एज ए स्टॉप यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ कि आगे खतरा है, ठीक है, ये खतरा को सूचित करता है, इसलिए हम लोग रेड लाइट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पीला यानी येलो। येलो जो है इसे हम लोग एक्चुअली एनर्जी का सोर्स मानते हैं, ठीक है। इसकी भी वेवलेंथ रेड से कम होती है, आप वैसे मान के चलो तो इसको सेकेंड सीक्वेंस पे लिया गया है। और आप चाहे सूर्य को देख लो, दैट इज़ अ एनर्जी, ओके। तो वो हमें इंडिकेट करता है कि भाई अब हमारे में एनर्जी आ रही है, आप उसको गैदर कर लो, एनर्जी को जमा करो, यानी अपने व्हीकल्स को स्टार्ट कर लो अब कि भाई नेक्स्ट जो होगा हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो येलो एज टाइम बींग के लिए एक पॉज का है, बस आप पॉज कर लो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट जो है ग्रीन, ग्रीन को हम लोग जानते हैं इसकी वेवलेंथ जो है येलो से कम है, इसको नीचे सीक्वेंस में रखा गया है, और इसे हम लोग पीस मान सकते हैं, इसको ग्रीन का हम लोग सिग्नल मान सकते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि यस अब हम लोग आगे मूव कर सकते हैं, आगे कोई खतरा नहीं है, इसलिए हम लोग ग्रीन का यूज़ करते हैं। तो ये जो थी सिंपल सी बातें थी मैंने आपको बताई, पता तो सभी को है, किंतु मैंने सोचा चलो ये है, मैं इस पर शेयर कर लेता हूँ। तो चलिए फिर, ठीक है, इतना ही था आज के लिए।
एंड लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट भी करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। मुझे भी लगता है कि आप लोग अगर देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो तो खुशी होती है, चाहे जैसा भी हो, अच्छा लगे ख़राब लगे प्लीज़ करें कमेंट। सब्सक्राइब अगर आप लोग कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्हें बोले सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है काइंडली करें, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, आप देख भी सकते हो पहले के मेरे वीडियोस, और आने वाले समय में तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगा, तो काइंडली करके आप वॉच करते रहें मेरे वीडियोस को, मैं रोज़ ला रहा हूँ वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।